खबर का रुख कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही वो कह रहे हैं कि सेना में 30% पद पर मुस्लिमों को भर्ती किए जाने की पैरवी वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना में 30% जो पद हैं वो मुस्लिमों से भरे जाने चाहिए। अगर पाकिस्तान से डर लगता है तो गुलाम रसूल बलियावी के इस बयान के बाद विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी सेना में 30% हिस्सा मुस्लिमों को दे देंगे तो पाकिस्तान की आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मिसाइल बनाकर भारत को आंख दिखाया तो कोई नागपुर का बाबा सामने नहीं आया। उस वक्त APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाकर पाकिस्तान को जवाब दिया था। प्रधानमंत्री से भी कह रहा लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे। शक्ति सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, गुलाम रसूल का ये बयान विवादों को जन्म देने वाला है, विवाद बढ़ना तय समझिएगा। अभी इस बयान के बाद क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया क्या? देखिए, गुलाम रसूल बलियावी जो है JDU के पूर्व MLC और विवाद से इनका पुराना दामन रहा। इससे पहले भी उन्होंने करबला बनाने की बात कही थी और फिर एक बार फिर से उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना पर जो है विवादित बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों से उन्हें डर लग रहा है तो जो भारतीय फौज है उसमें 30% जो है मुसलमान के बच्चों को जो है आरक्षण दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गाजर है और जो लोहे को जो है गाजर से नहीं काटा जाता, लोहे को लोहा ही काटता है, तो भारतीय सेना के बारे में भी जो उन्होंने विवाद बयान दिया है। और इसके बाद जो है बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी के विधायक जो है भाई जो उन्होंने कहा है कि जो बलियावी है ये PLFI और ISI के एजेंट हैं, इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, इन पर उसके पास कोई मुद्दा नहीं, इस तरह के विवाद बयान ये देते रहते हैं। तो इसको लेकर जो है बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। राजनीति तेज हो गई है। JDU नेता गुलाम रसूल बलियावी ने विवादित बयान दे दिया है। शक्ति, आप रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जानिए, योग गुरु बाबा रामदेव का जैश लश्कर के साथ संबंध भी बता दिया है गुलाम रसूल के जरिए। वो कह रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बहरूपिया है। मतलब बयान जब दिया तो एक के बाद एक कई विवादित बयान दे दिए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डर लगता है प्रधानमंत्री मोदी को, सेना में 30% मुस्लिमों की भर्ती होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री बहरूपिया है और साथ ही साथ कह दिया कि योग गुरु बाबा रामदेव जो है वो जैश से ताल्लुक रखते हैं, जैश से संबंध उनका है। एक के बाद एक ही बयान में उन्होंने कई विवादित बयान दे दिए। एक बार सुनिए क्या कहा। वतन के लिए क्या क्या करना है, जब पाकिस्तान का कदीर मिसाइल बनाकर भारत को आंखें दिखा रहा था तो नागपुर से कोई बाबा जवाब देने नहीं आए थे क्या? वो मुसलमान का बेटा APJ अब्दुल कलाम जवाब दे। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आप कह रहे हैं कि विवादों से पुराना नाता रहा है गुलाम रसूल का, लेकिन जब इस तरह के एक के बाद एक कई विवादित बयान दें तो फिर JDU प्रमुख से उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि कोई बयान इस पर आए या फिर कोई एक्शन लिया जाए गुलाम रसूल के खिलाफ। देखिए, इससे पहले उन्होंने जब कहा था कि करबला बना देंगे उसको लेकर JDU, हालांकि उनके बयान से उस समय जो अपने आप को अलग कर ली थी और JDU ने कहा था ये उनका प्रश्न बयान हो सकता है, लेकिन अब तक जो है इस मामले में जो है प्रधानमंत्री और सेना पर दूसरे से बयानबाजी गुलाम रसूल बलियावी ने की है उस पर इस बात जो है JDU की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी जो है काफी उन्होंने जो है सेना पर बोला और इससे पहले भी वो कई बार जो है विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि अब जो है वो JDU के पूर्व MLC है, MLC नहीं है लेकिन JDU के नेता है, बड़े नेता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है JDU के जो नेतृत्व है उस तरह के बयानबाजी पर जो है उसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि ये बयान जो उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री पर दिया है, भारतीय सेना को उन्होंने गाजर कहा है, तो ये बड़ी बात है। इस पर जो है JDU को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि JDU अब इस बयान के बाद जो है अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है। जी, JDU नेता गुलाम रसूल बलियावी ने ये पहली बार नहीं है जब कोई विवादित बयान दिया हो, लेकिन इस बार जब बयान दिया
तो सेना को लेकर भी सवाल उठा दिए। प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ लिया कि डर लगता है क्या, ये भी कह दिया कि सेना में 30% मुस्लिमों को भर्ती देनी चाहिए। ये क्या धर्म के नाम पर बांटने वाला बयान शक्ति नहीं है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से बलियाबी जो है अपनी राजनीति, एक तरह से कही कि उनकी खुद की भी जो राजनीति है उसको भी वो मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब पूर्व MLC हैं। ऐसे में पार्टी के में भी अपनी कद को बढ़ाने देने के लिए भी जो जेडीयू में उनका जो कद जो है फिलहाल कुछ दिनों से जो साइड कर सकते हैं कि साइड वो पड़े हुए, ऐसे में मेन राजनीति में आने के लिए पार्टी में अपने अस्तित्व को भी बचाने के लिए जो है इस तरह का बयान वो देते रहते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने इस तरह का बयान दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने संसद के अंदर भी कहा था कि प्रधानमंत्री को डर लगता है तो मुस्लिमों को 30% आरक्षण जो है देनी चाहिए। इस तरह का विवादित बयान देकर जो निश्चित रूप से जो है वो विवादों में क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर क्या जानबूझकर दिए गए बयान है? पहले रामचरितमानस को लेकर बिहार सरकार में मौजूद मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, और अब गुलाम रसूल का ये बयान क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझकर ये किया जा रहा है? देखिए, वो इंसिडेंट इसे नहीं कर सकते क्योंकि एक के बाद जो है एक बयान उनके तरफ से दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने करबला बनाने की बात की थी उन्होंने, और इसके बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी की है और भारतीय सेना के बारे में बोला। उन्होंने ये भी कहा कि जो जब पाकिस्तान ने परमाणु बम कादिर ने बनाया था तो कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान का बेटा अब्दुल कलाम के बारे में उन्होंने कहा कि वो सामने आए थे। इस तरह के बयानबाजी करना, देखिए अब्दुल कलाम आजाद जो है उनकी जो छवि है वो अलग है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, और चूंकि मुश्किलें तो बढ़ती हैं इस तरह के बयानों के बाद, लेकिन मुश्किलों को कम करने के लिए एक्शन कुछ लिया जाता है क्या? नजर रखिएगा, बहुत शुक्रिया अभी के।